नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैक्टर जोन में। और दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो है हम दोस्तों इस खेत में सरसों की बुआई करने वाले हैं। तो अभी दोस्तों इसकी पहली जुताई हम करने ही वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है कल्टीवेटर आपको चलाना सिखाएंगे, बिल्कुल जो है आसान तरीके से, परफेक्टली आप कैसे कल्टीवेटर चला पाएंगे। जिन किसान भाइयों ने अभी अभी ट्रैक्टर लिया है या ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं, या जिन्हें कल्टीवेटर सही से चलाना नहीं आता है, तो आज का वीडियो दोस्तों उन्हीं के लिए है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कल्टीवेटर को लगाना स्टार्ट किया, ये है जस्ट। तो कल्टीवेटर दोस्तों चलाने के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से कनेक्ट करें, तो कुछ बातों का उसमें आपको खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि दोस्तों आपके ट्रैक्टर में अगर जो है सेंसिंग पॉइंट 3 है, तो आप बीच वाले में ही कनेक्ट करें कल्टीवेटर को हमेशा। और अगर एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें दोस्तों हमारे आप देख सकते हैं स्वराज में 3 सेंसिंग पॉइंट आते हैं, तो बीच वाले में हमने इसको कनेक्ट किया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कल्टीवेटर का जो है लेवल बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक समान है, ना आगे से ज़्यादा है ना पीछे से, बिल्कुल समतल है हमारा कल्टीवेटर। तो ये दोस्तों परफेक्टली बिल्कुल एक समान अच्छे से चलेगा गहराई के साथ। दोस्तों बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो ट्रैक्टर की जो साइड लिंक्स होती है उनको फिक्स कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप खेत की जुताई कर रहे हैं तो उनमें आपको हल्की सी चाल रखना है। आप देख सकते हैं अभी हमने सेकेंड वाले में गुल्ली को डाल रखा है, उधर भी इतनी चाल है, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक 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 इंच की दोनों तरफ इसमें चाल होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कल्टीवेटर से राउंड लेते हैं, तो कल्टीवेटर एक तरफ नहीं खींचता है और ट्रैक्टर आपका दब के नहीं चलेगा, तो ये चाल रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये तो होगी दोस्तों कल्टीवेटर कनेक्ट करने की बात। और अभी दोस्तों आप जो हमारा ये कल्टीवेटर देख रहे हैं, ये 9 टाइल वाला जो लगभग 2.75 क्विंटल का कल्टीवेटर है, जो कि हैवी कल्टीवेटर है दोस्तों, गहरी जुताई के लिए यही हम यूज़ में लेते हैं, जो कि फिक्स टाइल वाला कल्टीवेटर है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको गेयर में क्या सेटिंग करनी है, कैसे चलाना है, कितनी रेस पे। तो अभी दोस्तों हम ट्रैक्टर पर आ गए हैं। तो ट्रैक्टर पर चढ़ने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ब्रेक को खोल लेना है, दोनों ब्रेक खुले होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप खेत की मेड से राउंड लेंगे तो हल्का सा ब्रेक का यूज़ करें, तो ब्रेक हमेशा खुले होने चाहिए जुताई करते समय। अगला जो काम करना है आपको लीवर की सेटिंग करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है दोनों लीवर को नीचे उतार देना है, इस तरह से रेड और ब्लैक वाली को। दोस्तों ये है हमारी पोजीशन लीवर और ये है ड्राफ्ट लीवर। तो ये वाली लीवर दोस्तों कल्टीवेटर को उठाने और रखने के लिए काम में ली जाती है, और ये दोस्तों जो लाल वाली है ड्राफ्ट लीवर, ये कल्टीवेटर की गहराई सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब दोस्तों आपको ट्रैक्टर को सिंपली स्टार्ट कर देना है, और जो हाई फर्स्ट गियर है उसमें डाल लेंगे हम। तो सबसे पहले न्यूट्रल करके हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रैक्टर को। अभी दोस्तों हम फर्स्ट में डाल देते हैं, अब हम दोस्तों इसकी गहराई सेट करेंगे। तो धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है और इसको ऊपर उठाना है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आने पर के बाद ये गहराई ऑटोमेटिक से सेट, यहाँ पर ड्राफ्ट लीवर को सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा कल्टीवेटर जो है आराम से चलने लगा है। तो यहाँ पर इसको हम बांध देंगे, तो ये वाला है इसको हम यहीं पर फिक्स कर देंगे। और अब दोस्तों इसके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, और इससे हम कल्टीवेटर उठाएंगे और वापस रखेंगे, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो। दोस्तों कल्टीवेटर चलाते समय आपको स्पीड का खास ध्यान रखना है। स्पीड दोस्तों आपकी 10 से 12 के बीच होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हार्ड ज़मीन है तो उसमें आप 13 तक लगा सकते हैं। और दोस्तों कल्टीवेटर हमेशा एक स्पीड पर चलाना है। अगर आप 12 की स्पीड पर चला रहे हैं तो 12 की स्पीड पर ही चलाना है, कम ज़्यादा रेस को नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इससे इंजन पर लोड पड़ता है बार बार, और एक समान रेस पर चलाएंगे तो अच्छे से गहरी जुताई करेगा कल्टीवेटर आपका। चलिए दोस्तों धीरे धीरे चलाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं लीवर को हमने सेट कर दिया है, और कल्टीवेटर देख सकते हैं आप किस तरह से हमारा चल रहा है, बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऊपर नीचे हमारे जो है कल्टीवेटर हो रहा है। तो इसमें दोस्तों ऑटो ड्राफ्ट एंड डिप कंट्रोल का सिस्टम है, तो इसी वजह से ये
कहीं गहराई ज़्यादा आने पर ऑटोमेटिकली ऊंचे आ जाता है और वापस नीचे चला जाता है। फाइनली आप देख सकते हैं हमने पूरे खेत की जो है जुताई कर ली है। और इस तरह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप कल्टीवेटर चलाना सीख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।